हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री राम इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे केबल ट्रे का ऑफसेट कैसे बनाएंगे और उसका फॉर्मूला क्या है। आप आगे से केबल ट्रे लगाते हुए आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ तक आप केबल ट्रे लगा दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको केबल ट्रे लगाना है और उसमें आपको यहाँ पे दीवार आ रहा है, तो दीवार आ रहा है तो इसीलिए आपको दीवार के ऊपर ऐसे चिपकाना है और वही एकदम परफेक्ट आपको ऑफसेट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है वो दिखाता हूँ। ऑफसेट आप यहाँ यहाँ तक तो आ गए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको पहले डिस्टेंस देखना रहेगा, तो वही डिस्टेंस में आपको ऑफसेट करना है। और सबसे पहले आपको जिस सपोर्ट पे आपको केबल ट्रे को सटाना है, वो ये यहाँ पे एक फ्लोर है आपका, ये सपोर्ट का हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका सपोर्ट का हाइट है, तो वो हाइट आपको पहले मेजर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट मेजर किया तो यहाँ पे मेरे को 50 mm मिला, तो 50 mm यहाँ का हाइट हो गया है, तो 50 mm तो हाइट हो गया। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट पता चलेगा तभी अब ये यहाँ पे ये ऑफसेट बना पाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट पता करना पड़ेगा। इसके फॉर्मूला क्या है, ये 50 mm ऑफसेट का लेंथ है, तो 50 mm ऑफसेट का लेंथ आपको 1.414 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 70 mm मिलेगा। जो 70 mm मिलेगा वो आपको ये ट्रैवल मिलेगा, इसको ट्रैवल बोलते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका 70 mm हो गया, ये भी मेजरमेंट सेम है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मैंने ट्रैवल लिखा है वो आपका ये 70 mm है। तो ये 70 mm आपको कैसे मिला है आपको समझ में आ गया। ये 50 mm को आपको मल्टीप्लाई करना है, 1.414 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको 70 mm मिलेगा। तो ऐसे इसका आपको मिल गया। अब इसका आपको ऑफसेट कैसे करोगे, तो ऑफसेट करने केबल ट्रे को आपको मोड़ना है या ऑफसेट करना है उसका वी कट का फॉर्मूला मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वो पूरा फॉर्मूला देख सकते हैं क्या वी कट का क्या फॉर्मूला है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। तो केबल ट्रे को आपको भाग करना है 2.5 से, तो 2.5 क्या है वो फॉर्मूला है। तो आपको 300 का ट्रे है तो 300 का ट्रे को 2.5 से भाग करना है, तो 120 mm मिला। तो 120 mm मिला तो आपको वी कट का सेंटर लाइन से दोनों तरफ 120 120 mm लेना है और उसका वी कट करना है। तो वी कट का यहाँ पे सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से लेके फिर यहाँ तक का आपको 70 mm ले लेना है, जो हमको यहाँ पे ट्रैवल का ये मिला है वो 70 mm यहाँ पे लेंगे। 70 mm मिल जाने के बाद जहाँ पे 70 mm आ रहा है वहाँ से फिर 120, फिर वहाँ से फिर 120, ऐसे 120 पे सेंटर करेंगे। उसके बाद दोनों तरफ जो 120 लिया है उस पर मार्किंग करके विकट उल्टा विकट बनाएंगे। तो ऐसे पूरा आप विकट बना के ये ऑफसेट बन जाएगा। तो ऑफसेट आपको ऑफसेट का लेंथ में यहाँ पे थोड़ा लिस्ट बनाया हूँ आपको समझ में आ जाए इसीलिए। तो मेरे को यहाँ पे 50 mm का ऑफसेट 50 mm ऑफसेट का लेंथ मिला था, तो उसका मैंने और ट्रैवल 70 mm मिला, तो जो ट्रैवल मिला वो 70 mm मिला। आपको 100 का ऑफसेट करना है तो आपको 141 mm ट्रैवल मिलेगा। ये पॉइंट में सब आंसर आ रहा है, जो भी है 70 mm है उसके पीछे उस पॉइंट 1 2 ऐसे सब पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट मैंने नहीं लिया है, पॉइंट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है इसीलिए। तो 150 का केबल 150 आप ऑफसेट है तो आपको 212 mm ट्रैवल मिलेगा, 200 का ऑफसेट है तो आपको 282 mm ट्रैवल मिलेगा, 250 mm का आपका जो ऑफसेट बनाना है तो आपको उसके लिए ट्रैवल 353 mm ट्रैवल मिलेगा, 300 का आपको ऑफसेट बनाना है तो आपको 424 mm ऑफसेट ट्रैवल मिलेगा, और 350 का ऑफसेट बनाना है तो आपको 494 mm आपको इसका ट्रैवल मिलेगा, 400 mm का ऑफसेट बनाना है तो उसके लिए आपको 565 का ट्रैवल मिलेगा, 450 का आपको ऑफसेट करना है तो 636 mm आपको उसको उसका ट्रैवल मिलेगा, 500 mm का आपको ऑफसेट मिला है
तो करना है तो भी आपको यहाँ पे ट्रैवल इसका 700 ने 7 mm मिलेगा, और 550 का आपको ऑफसेट बनाना है तो 777 mm आपको इसका ट्रैवल मिलेगा, और 600 का ऑफसेट करना है तो 848 mm आपको ट्रैवल मिलेगा। तो ऐसे ही पूरा ये सब ट्रैवल मिलता है, तो वही हिसाब से आप एक फॉर्मूला यूज करके आप ऑफसेट बना सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा अलग सिस्टम है, यहाँ पे थोड़ा अलग सिस्टम है कि यहाँ पे आपको ऑफसेट नहीं पता है, ऑफसेट के आपको ट्रैवल है तो ट्रैवल के हिसाब से ऑफसेट कैसे निकाले। यहाँ पे आपको थोड़ा ये समझा देता हूँ, यहाँ पे 50 mm था तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको डिस्टेंस 450 mm लेना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको 450 mm लेके फिर आप 70 mm लेंगे यहाँ पे, तो आपका ये ऑफसेट बन जाएगा। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट कितना मिलेगा, 50 mm मेजरमेंट मिलेगा। तो ये आप दूसरा फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आपको ऑफसेट नहीं पता है, आपको ट्रैवल के हिसाब से ट्रैवल पता है तो ट्रैवल के हिसाब से आपको ऑफसेट खोजना है। तो उसके लिए क्या करना है, ऑफसेट का फॉर्मूला सेम है, खाली इसको भाग करना है। अब आपको एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे पहले 70 mm लिया है, 70 mm को भाग किया 1.414 से तो आपको कितना 50 mm मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 50 mm का मल्टीप्लाई किया था तो कितना 70 mm मिला है, तो फिर 70 mm का फिर हमको भाग करके यहाँ पे 50 mm मिला। तो ऐसे आपको पूरा क्रॉस किया है तो क्रॉस में आपको पता चलेगा, ट्रैवल मिलेगा तो उसके हिसाब से आप ऑफसेट खोज सकते हैं। तो यहाँ पे 50 mm का ट्रैवल मिला है तो उसका ऑफसेट बनेगा 35 mm, 100 mm का ट्रैवल है तो उसमें आपको बनेगा ऑफसेट 70 mm का, 150 का आपका ट्रैवल है तो 106 का आपका ऑफसेट बनेगा, और 200 का ट्रैवल है तो आपको 141 का ट्रैवल ऑफसेट बनेगा, और 250 का ट्रैवल है तो आपको 177 का आपको ऑफसेट बनेगा, और 300 का ट्रैवल है तब आपको 212 का ऑफसेट बनेगा, और 350 का ट्रैवल रहेगा तब आपका 247 mm का ऑफसेट बनेगा, और 400 का ट्रैवल रहेगा तब आपको 282 mm का ऑफसेट बनेगा, और 450 mm का ट्रैवल रहेगा तब आपको 318 mm ऑफसेट बनेगा, और 500 का ट्रैवल रहेगा तब आपका 353 mm ऑफसेट बनेगा, और 550 का आपका ट्रैवल मिला है तब आपको 388 mm ऑफसेट मिलेगा, और 600 का आपका ट्रैवल रहेगा तब आपको 424 mm ऑफसेट मिलेगा। अब तीसरा फॉर्मूला की तरफ चलते रहे, ये फॉर्मूला एकदम सिंपल है, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ तक आपने केबल टे लगा दिया है, यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे जो बीम आ रहा है तो बीम के ऊपर ही आपको यहाँ पे छटा के सेम आपको जो पहले दिखाया वही सेम है, तो यहाँ पे आपको लेके जाना। तो उसमें कुछ फॉर्मूला का कुछ यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या किया है, ये जो आपका बीम है तो बीम यहाँ से लेके यहाँ तक का बीम का आपको पहले लेंथ मेजर कर लेना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने मेजर किया तो 50 mm है, तो 50 mm को क्या करना है आपको, फिर ये जो बीम है बीम से लेके आगे तक, फिर या आपका लंबाई हुआ लंबाई है तो लंबाई 50 mm, फिर आपको जहाँ से ट्रेल लगाना है वहाँ से लेके जब बीम का डिस्टेंस है उसमें आपको बीम तरफ से मेजरमेंट करना है 50 mm, बीम का लेंथ कितना है 50, तो आगे आपको कितना 50 mm का मेजरमेंट करना है, तो 50 mm जहाँ आ रहा है वहाँ पे आपको एक मार्किंग लगा देना, मार्किंग लगा के फिर क्या करना है, जो 50 mm है वहाँ से लेके आपका जो बीम का टॉप है वहाँ तक का मेजरमेंट निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आप मेजरमेंट निकालेंगे तो आपको ट्रैवल का पता चल जाएगा, कोई सूत्र की कोई ज़रूरत नहीं, आपको उसका ट्रैवल का पता चल जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 70 mm आपको आपो आप मिल जाएगा, ये 50 mm रहेगा ये 50 mm रहेगा तो ये आपको 70 mm आपो आप मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ तक ट्रे लगा दिया है, ट्रे लगा दिया तो यहाँ से यहाँ तक का आपका मेजरमेंट कितना हुआ,
पचास तीन अच्छी अच्छी एमएम हुआ। अच्छी एमएम में से आपको ये जो आगे का ये जो जहाँ से आपको ऑफसेट करना है उससे आगे से लेके आपका जहाँ तक ट्रे लगा है वहाँ तक का डिस्टेंस कितना 30 mm हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट आपको पता चल गया 30 mm, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको ये बीम के हिसाब से 50 लिया, तो वही हिसाब से आपको यहाँ पे जो केबल ट्रे में कैसे मार्किंग करना है। तो ये आपका केबल ट्रे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप 30 mm लेंगे, 30 mm लेके यहाँ पे वी कट करना है। 30 mm यहाँ लेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, 30 mm ऊपर नहीं लेना है, जो आपको ऑफसेट करना है यहाँ तक केबल ट्रे लग गया तो ये जॉइंट यहाँ पे होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 30 mm लेना है। 30 mm पे सेंटर मार्किंग करके उसका वी कट बनाना है, उसके बाद जो सेंटर मार्किंग है वहाँ से लेके फिर यहाँ पे जो ये है यहाँ पे जहाँ यहाँ तक आपको 70 mm लेना है, 70 mm का ये पहला पॉइंट है वी कट का, उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर लाइन आएगा, वो खास आपको बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे सेंटर लाइन लेना है, यहाँ पे वी का पहला पॉइंट लेना है। तो ऐसे आप ये 70 mm लेंगे तो आप आसानी से बिना कुछ फॉर्मूला से ऑफसेट बना पाएंगे। तो ऐसे पूरा यहाँ से आप यहाँ तक 30 mm हो गया, फिर 30 mm यहाँ ले लिया, फिर ये 70 mm, तो 70 mm में से चढ़ गया, फिर ये आपको जितना यहाँ पे चाहिए वो आगे का मेजरमेंट हो जाएगा और पूरा ऑफसेट भी कंप्लीट हो जाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।